आपका सिर्फ पेट निकलता जा रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैट नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट बाहर निकलता जा रहा है, आप अपने पेट को ही घटाना चाहते हैं, तो आज जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आप अपने पेट को आसानी से घटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों का सिर्फ और सिर्फ पेट निकल जाता है, वो इस वजह से भी निकल सकता है कि वो डेली 7 से 8 घंटे के लिए बैठने का काम करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, और ये इसलिए भी हो सकता है कि कभी कभी हमारा जो खाया पिया वो अच्छे से पचता नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो फैट है सिर्फ पेट के ऊपर इकट्ठा होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका बैठने का काम है या कुछ भी आपका काम है, एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी अपने बेली फैट को घटाने के लिए। तो आज सिर्फ 4 एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ अपर बेली फैट को घटाने के लिए और लोअर बेली फैट को घटाने के लिए। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, खाना अच्छे से नहीं पचता है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है, तो भी ये एक्सरसाइज करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को हाई कर सकते हैं और फिर आपका फैट आसानी से घट जाएगा और आप अपने पेट को स्लिम ट्रिम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले सुबह उठते ही आप हल्की फुल्की वार्म अप जरूर कर ले, या तो आप जॉगिंग कर सकते हैं घर में ही एक ही जगह पे, या फिर आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, जैसे आधे घंटे की वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सुबह के समय वॉकिंग कर लेते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं थोड़ी बहुत आपने वॉकिंग कर ली और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होने लगेगा, खाना अच्छे से पचने लगेगा और आप चाहे दिन भर बैठे भी रहते हैं तो भी आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले वार्म अप करने के बाद जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसमें आपको लेट जाना है। लेट जाने के बाद आपको अपनी गर्दन ऊपर उठानी है और लेग्स को इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाना है। अब अपनी एक पैर से जमीन को टच करने की कोशिश करना है, एक पैर के टो से, फिर ऐसे ही अपोजिट जो आपका पैर है, फुट है, उसके टो से ऐसे टच करने की कोशिश करना है, ऐसे कम से कम 20 रेपिटेशन हर एक लेग से, ताकि आपके कमर के ऊपर एकदम से प्रेशर ना आए, इसलिए हम एक एक लेग से पहले करेंगे। जब ये 20 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम दोनों लेग से इकट्ठा करेंगे कम से कम 20 रेपिटेशन। 4, 5, 6 गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद थोड़ी देर के लिए 10 से 20 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को इस तरीके से ही रखना है 90 डिग्री के एंगल पर और ऐसे अपने हाथों से ऐसे पकड़ना है, टच करना है, उसके बाद अपने हाथों को सीधा करना है और लेग्स को भी सीधा करना है, स्ट्रेट कर देना है, कम से कम 10 रेपिटेशन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। इसके बाद 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे, और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे, 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे बीच में, उसके बाद करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है ऐसे और अपनी गर्दन को उठाना है और हाथों से ऐसे 20 रेपिटेशन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर
20 से 30 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे, और अगर आप थक रहे हैं तो आप एक मिनट के लिए भी रेस्ट कर सकते हैं। पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल कूल डाउन होने देंगे, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, और फिर आप अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को उठाना है और अपने हाथों को अपनी सर के पीछे लगाना है। अब आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को ऐसे खोलना है और फिर बाहर की तरफ भी ऐसे रेज करना है वापस, और फिर इस तरीके से। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. तो ये वर्कआउट करने के बाद आप 5 मिनट के लिए लेटे रहिए, इसके बाद रेस्ट जरूर करना है, थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को कूल डाउन होने देना है, उसके बाद ही आप और काम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके अपर बेली फैट को और लोअर बेली फैट को दोनों को एक साथ कम कर देगी, लेकिन ध्यान रखना है सावधानी के साथ ही एक्सरसाइज करनी है। तो आप आराम से अपने बेली फैट को कम्प्लीटली कम कर सकते हैं। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।